वेलकम टू HRF। तो आज हम 5 मिनट में बची हुई पाव भाजी का टेस्टी एंड चीजी पाव भाजी बाइट्स बनाएंगे। ये बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए एक पाव। तो इस पाव को हमें अच्छे से कट कर लेना है, एकदम रफली कट करना है। इसे इसके बड़े बड़े से पीसेस कट कर लेने हैं, बिल्कुल इस तरह से। पैन में मैंने लिया है 1 टीस्पून बटर और इसमें हम डाल देंगे कटे हुए पाव। और इसे हमें तब तक भून लेना है, सेक लेना है जब तक ये अच्छी तरह से क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है, देखिए कितने अच्छे क्रिस्पी और गोल्डन हो गए हैं। तो बस ये हो चुके हैं, अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब सेम ही पैन में मैंने 1 टीस्पून बटर लिया है और इसमें हम डाल देंगे लेफ्ट ओवर पाव भाजी। इसको थोड़ा सा स्टर कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पाव के पीसेस। हल्का सा स्टर करेंगे ताकि जो भाजी है वो पाव में अच्छी तरह से कोट हो जाए। और ऊपर से डाल देंगे चीज़। तो मैंने यहाँ मोज़रेला चीज़ यूज़ की है, आप अपने पसंद की कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे ढक देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। तो देखिए चीज़ एकदम अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। ऊपर से हम डाल देंगे ताज़ा हरा धनिया। तो लीजिए फ्रेंड्स, टेस्टी एंड चीज़ी पाव भाजी बाइट्स तैयार हैं। शाम की हल्की फुल्की भूख के लिए आप अपनी फैमिली को इसे सर्व कर सकते हैं। ये बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद आएगा और आप हर बार इसे बनाने के लिए एक्स्ट्रा पाव भाजी बनाएंगे। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। हैप्पी कुकिंग।